दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के सेगमेंट में आज एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सेगमेंट में आप जानते हैं कि हम आपको डिफरेंट घरों के साइजेस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताते हैं। तो अगर आप किसी और घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें, आपको इस सेगमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10 मरला डबल स्टोरी हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई थी, और आज की वीडियो में मैं आपको 5 मरला डबल स्टोरी हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताऊंगा। जी दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं इन्फोलिंक्स। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के साइज़ के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जानना चाहते हैं तो कमिट में हमें अपने घर का साइज़ और सिटी का नाम बताएं, तो हम आपको आपके घर की एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल कर देंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर कितनी लागत आएगी, कितना मटेरियल लगेगा और मटेरियल के क्या रेट होंगे। ये कॉस्ट मैं आपको 27 फरवरी 2024 के करंट रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये रेट्स मुल्तान और उसके गिर्द नवा के एरिया के लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर्ड एरिया की। 5 मरला डबल स्टोरी घर का जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट बनता है। आजकल सोसाइटीज में यही कवर्ड एरिया चल रहा है, तो हम इसी कवर्ड एरिया के हिसाब से अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके एरिया ज्यादा या कम हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको एग्जैक्ट आपके एरिया के मुताबिक कॉस्ट कैलकुलेट करके देंगे। तो मटेरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे ईंट की। अव्वल दर्जे की एक ईंट जो है वो 1400 रुपए की है, और 5 मरला डबल स्टोरी घर पर तकरीबन 52,000 ईंटें लगेंगी, जिसकी टोटल कॉस्ट 7,28,000 बनेगी। फिर आ जाती है सीमेंट, जिसका एक बैग 1260 रुपए का है, और 5 मरला डबल स्टोरी हाउस पर तकरीबन आपके 600 बैग लगेंगे, जिसकी टोटल कॉस्ट 7,56,000 रुपए बनेगी। रेत का रेट इस वक्त 4500 रुपए क्यूबिक फुट चल रहा है, और 5 मरला डबल स्टोरी हाउस पर तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट रेत लगेगी, जिसकी टोटल कॉस्ट 1,57,000 रुपए बनती है। क्रश यानी बजरी का रेट 90 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है, और 5 मरला के घर पे तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट बजरी लगेगी, जो आपके लेंटर और फर्श के कच्चों में काम आएगी। तो बजरी की टोटल कॉस्ट जो है वो 2,16,000 रुपए बनेगी। स्टील हमेशा 60 ग्रेड का और अच्छी कंपनी का यूज करें, जिसका रेट 265 रुपए पर केजी चल रहा है, और 5 मरला डबल स्टोरी के घर पे तकरीबन 3,000 केजी यानी 3 टन स्टील लगेगा, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 7,95,000 बनेगी। बर्थ यानी बैक फिलिंग की कॉस्ट जो है वो प्लाट की गहराई के हिसाब से आती है। अगर प्लाट की गहराई 3 से 4 फुट की है तो आपकी 70 से 80,000 रुपए में बैक फिलिंग होगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक पाइप की बात करूं तो पाइप्स और इसकी फिटिंग की टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,50,000 रुपए आएगी। इसके बाद सैनिटरी और सीवरेज के पाइप और इनकी मुकम्मल फिटिंग तकरीबन 3.5 लाख रुपए में होगी। और आखिर में बात करेंगे हम लेबर कॉस्ट की, जो कि यहाँ तकरीबन 350 से 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही है। तो हमारे टोटल कवर्ड एरिया के हिसाब से लेबर कॉस्ट जो है वो तकरीबन 8,40,000 रुपए बनेगी। जी दोस्तों, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे 5 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर विद A+ मटेरियल की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 40,72,000 रुपए निकलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।